जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को और आपके परिवार को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके तहत हम लोगों ने आई थिंक 35 लेक्चर देख लिए हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं इसका 36 लेक्चर, और इसमें हम बात करेंगे कि द्वैध शासन के अंतर्गत भारत की शिक्षा। देखिए, भारत में ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था, उस समय किस प्रकार से शिक्षा में बदलाव आया, कैसे कैसे क्या क्या नियम लाए गए, क्या क्या आयोग लाए गए, सबको हम लोग कवर कर रहे हैं। यदि हम आपसे मेन चैप्टर की बात करूं तो उसमें हम लोग देख रहे थे भारत में राजनैतिक चेतना का विकास। उसके तहत हम लोगों ने 2 से 3 वीडियो देखे, और आज के पहले का जो वीडियो था पिछला, उसमें हमने 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम समझा था। धीरे धीरे करके चीज़ों में बदलाव हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर क्या किए हुए हैं, नियंत्रण बनाए हुए हैं, तो वही कुछ बदलाव करेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके यूपीएससी मेंस और किसी भी स्टेट पीएससी के मेंस में, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जिस तरह से एग्जामिनर का माइंडसेट होगा। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो को। यदि आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और यही वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार चैनल पर जरूर जाइएगा और प्लेलिस्ट चेक करिएगा। जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों की जिस तरह की प्रॉब्लम होगी, आप लोग वीडियोस देखकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ सब कुछ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में दिया जाता है, और टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। जैसा हम लोग करते हैं, पिछले वीडियोस में आप लोगों को जोड़ूंगा, 1904 में भारत में लाया गया था विश्वविद्यालय अधिनियम, उसके तहत बहुत सारे बदलाव किए गए, ठीक है ना। ऐसा हुआ कि 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कई सारे वर्गों को वहां से दूर रखा गया, उच्च लोगों को ही शिक्षा देने की बात की गई, और उसमें मैं अगर बात करूं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी पूरी तरह से विश्वविद्यालय पर नियंत्रण बनाए हुई थी, और उनको अनुदान वगैरह भी दिया जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी। पिछला वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख लेंगे। मैं इस पर आता हूँ अब उसके बाद भारत में क्या होता है, टाइम पीरियड आता है 1919 का, और भारत में आ जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसके तहत क्या किया जाता है, भारत में द्वैध शासन की स्थापना कर दी जाती है, केंद्र को प्रांतों से अलग कर दिया जाता है। तो उस समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शिक्षा व्यवस्था हो गया, संचार व्यवस्था हो गया, सब चीज़ों पर, सुरक्षा व्यवस्था, ये सबको निर्धारित किया गया, किस पर नियंत्रण किसका होगा। तो जो शिक्षा व्यवस्था थी, तो इसे माइनर रूप में देखा गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि भारत के लोग क्या हों, शिक्षित हों, उनके खिलाफ आंदोलन वगैरह करें। तो उन्होंने क्या किया कि पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को प्रांतों को सौंप दिया। अब देखिए, राज्यों को सौंप दिया कि आप शिक्षा व्यवस्था सुधारिए, उन्हें पूरी जिम्मेदारी दी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम में जो प्रावधान लाया गया था कि केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों के लिए क्या करेगी, उच्च शिक्षा के लिए अगर मैं बात करूं तो अनुदान देगी, कुछ पैसे देगी, कुछ आर्थिक रूप से मदद करेगी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि उस मदद को रोक देते हैं, और राज्य के पास तो इतनी शक्ति नहीं थी, इतना पावर नहीं था, इतनी उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं थी कि वह शिक्षा पर चीज़ें खर्च कर सके, लेकिन ब्रिटिशर्स का ही शासन है, वो पूरी तरह से शिक्षा को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं, अव्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी समय कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने शिक्षा पर जोर दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई, कुछ आयोग लाए गए, आइए इनके बारे में अब हम बात करते हैं। टाइम पीरियड था 1919 का, शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकार को सौंप दिया गया, क्योंकि भारत में द्वैध शासन की स्थापना हो गई। शिक्षा के लिए केंद्रीय अनुदान भी बंद कर दिया गया जो पहले दिया जाता था। प्रांतीय सरकारें प्रभावी योजना नहीं बना पाई क्योंकि वे आर्थिक रूप से उतनी सक्षम नहीं थी। लेकिन कुछ लोकोपकारी व्यक्तियों ने, मतलब जो सामाजिक तौर पर काम करते, जैसे आजकल के एनजीओ वगैरह हैं, इन्होंने मदद की और इन्होंने कुछ अनुदान वगैरह दिया, जिससे शिक्षा व्यवस्था को सुधारा गया। इसी बीच में क्या होता है, एक समिति बनाई जाती है 1919 में ही, हार्टोंग समिति। ये हार्टोंग समिति पूछी जाती है कि किसकी अनुशंसा पर लाई गई थी, तो भारतीय परिनियत आयोग की अनुशंसा पर हार्टोंग समिति की स्थापना की जाती है, ठीक है। 1929 में फिल्फ हार्टोंग की अध्यक्षता में लाई गई। तो जाहिर सी बात है कि जब समिति वगैरह लाई जाएगी, आयोग लाया जाएगा, तो वो कुछ सिफारिशें गवर्नमेंट को करेगा, ठीक, कि आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए। तो इसकी सिफारिशों को देखिए, मेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है।
चलिए, इसने क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए। ध्यान से देखिएगा, ये लोग हमारे माइंड के साथ कैसे खेल रहे हैं ब्रिटिशर्स। इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए, मतलब कि प्राथमिक शिक्षा लोगों को दी जाए, लेकिन वो शिक्षा अनिवार्य न की जाए। जैसे आज आप देखते हैं ना कि 6 से 14 साल वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान निःशुल्क रूप से किया गया है। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा तो दी जाए, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए कंपलसरी ना किया जाए, अनिवार्य ना किया जाए, वरना सारे शिक्षित हो जाएंगे। और इसका जो आप लोग विस्तार कर रहे हैं, शीघ्र विस्तार, इस पर भी नियंत्रण लगाइए। ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की ओर लोगों को मत लेकर आइए, अन्यथा आपको पता है कि किसी भी देश पर या किसी भी स्थान पर यदि आप नियंत्रण चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा छीनी है, वो क्या है? शिक्षा। शिक्षा पर रोक लगा दीजिए, लोग शिक्षित ही नहीं होंगे, जानेंगे ही नहीं कि आप उनके साथ सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। जो आप करोगे वही सही दिखेगा, तो कभी भी आपका विरोध नहीं कर पाएंगे। ब्रिटिशर्स ने सेम यही किया, हम लोगों को शिक्षा से दूर रखने की कोशिश की। जो उच्च शिक्षा है वह सिर्फ योग्यता के अनुसार दी जाए। अब योग्यता इन द सेंस ऐसा नहीं कि जो बहुत पढ़ा लिखा हो, नहीं, जो अच्छे कुल खानदान का हो, जो उच्च वर्ग का हो, जो ब्रिटिशर्स के अधीन रहना स्वीकार करता हो, उन्हें शिक्षा देने की बात की गई। खास करके ग्रामीण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा अब पूरी तरह से ग्रामीण व्यक्तियों को, ग्रामीण विद्यार्थियों को नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय, मतलब यूनिवर्सिटी की बजाय, औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दी जानी चाहिए, जिससे वे व्यापार करें और हमारी गुलामी कर सकें। ध्यान से समझिए हमारे माइंड के साथ कैसे खेल। उसके बाद एक कमीशन आता है, वर्धा योजना या फिर वर्धा कमीशन, 1937 में, 1919 की ये बात हो गई। इस तरह से निम्न वर्ग को शिक्षा से दूर रखने की बात की जा रही है, सारे प्रावधान मैंने यहां पर आपको बता दिया। वर्धा कमीशन लाया गया। आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जी ने एक लेख लिखा था हरिजन नाम से, उससे भी यह प्रभावित था, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया कि मूलभूत सिद्धांत इसका जो रहेगा, हस्त उत्पाद कार्य, मतलब कि जो हस्त उत्पाद, जैसे कि गांधी जी चरखा वगैरह चलाते थे, तो अपने से चीजें उत्पादित करने की बात की गई। आज आप लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं, उस समय में गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं यही प्रयास किया था कि भारत आत्मनिर्भर हो जाए और उन चीजों को बनाना शुरू कर दे जिसे वह खरीद रहा है। तो इन्होंने कहा शिक्षा दी जाए वर्धा योजना के तहत, लेकिन हस्त उत्पादक कार्य इसमें ज्यादा प्रेफर किया जाए, इसके माध्यम से शिक्षा दी जाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया, नाम इनका पूछा जाता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, उनके नाम से एक समिति बनी, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति, और इसने वर्धा योजना का ब्यौरा गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत किया। इसने सिफारिशें क्या क्या दी कि 7 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 7 वर्ष की उम्र की जो बच्चे हैं, उन बच्चों को मातृभाषा, मतलब कि उनकी जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग जो हम बोलते हैं पैदा होते ही, जो क्षेत्र में बोली जाती है, उसमें शिक्षा दी जाए और पूरी तरह से निःशुल्क रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाए, कोई भी फीस ना ली जाए। ये सिर्फ सिफारिशें कर रहे हैं, मानना या ना मानना गवर्नमेंट का काम था, ठीक है। छात्रों को किंचित दस्तकारी भी सिखाई जाए, मतलब थोड़े ही मात्रा में, लेकिन उन्हें दस्तकारी की चीज़ें भी सिखाई जाएँ, वे अपने से भी चीज़ों का उत्पादन कर सकें, जैसा कि आज आप MSME वगैरह देखते हैं, लघु उद्योग देखते हैं, ठीक। जो शिक्षा हो वह तकनीकी के माध्यम से दी जानी चाहिए कि लोग सीखने की कोशिश करें, तभी जाकर देश का विकास हो सकेगा। लेकिन होता क्या है कि उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, 1937 की बात है, आप सबको पता है 45 तक विश्व युद्ध चला था, 39 से जब भी चला, लेकिन वही टाइम पीरियड था, इसके कारण प्रांतीय सरकारें विफल हो गई, इसलिए यह योजना लागू नहीं हो पाई। मतलब कि जितनी भी चीजें इस योजना के द्वारा लाई गई, एक भी लागू नहीं हो पाई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है, भारत भी कहीं ना कहीं उसमें सहभागिता करता है। ब्रिटिशर्स हमें क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हुई थी कि आप हमारी मदद कीजिए और हम आपको आजाद कर देंगे, तो उस तरह से उन लोगों ने लुभावनी चीजें दी, लेकिन इस समय के लोग सक्षम हो चुके थे, समझदार हो चुके थे, कहीं ना कहीं भारत पर भी प्रभाव पड़ा और ब्रिटिशर्स को यहां से छोड़कर जाना पड़ा। वो सब पॉलिटी का मुद्दा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है 1944 में सार्जेंट योजना, ठीक है ना। सार्जेंट योजना के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कमीशन है, बहुत शानदार तरीके से समझना पड़ेगा। भारत सरकार के एक शिक्षा सलाहकार थे जिनका नाम था सर जॉन सार्जेंट। इन्होंने एक विस्तृत योजना पेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए। मुद्दा मत भूलिएगा, आज का वीडियो है द्वैध शासन के अंतर्गत भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी, ठीक। इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी, इन्होंने कहा कि देश में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाए जाएं, मतलब इनकी स्थापना की जाए प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक प्रांतों में, क्योंकि देखिए जो लोग हैं इन्हीं से हमसे जुड़ पा रहे हैं, है ना। तो हम अगर विद्यालय बनाएंगे तभी छात्र हमारी तरफ आकर्षित होंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे, लोगों में शिक्षा को
ऊपर से ऊपर दिखाने की कोशिश की गई, इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। जहां आपने अभी देखा था कहां पर ये जो हर्टोंग समिति आई थी, इसने कहा था कि शिक्षा पर बल दिया जाए लेकिन अनिवार्य न किया जाए शिक्षा। यहां पर क्या किया जा रहा है, सार्जेंट योजना के तहत कहा जा रहा है कि 6 से 12 वर्ष तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और ये अनिवार्य की जाए कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करना उसके पेरेंट्स का क्या है, एक दायित्व है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वह 11 वर्ष का हो जाए तो 11 से 17 वर्ष तक के जो बच्चे हों उनको 6 वर्ष की अतिरिक्त शिक्षा भी दी जाए। यह व्यवस्था लाई गई थी सार्जेंट योजना के तहत, कहीं ना कहीं भारत के भविष्य के लिए अच्छी योजना थी। और आज भी आप देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है और अब यह क्या हुआ है, मूल अधिकार बना दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 21 आप लोग एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि दो प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की जाए, एक तो विद्या विषयक जहां पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षा दी जाए और दूसरा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, मतलब आपको टेक्नोलॉजी में और व्यापार में भी कैसे ग्रो करना है इन चीजों की भी शिक्षा दी जाए। देखिए यहां पर कहा गया था कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, किस योजना की मैं बात कर रहा हूं, हर्टोंग समिति की 1919 की, इसने कहा कि देखो ऐसा विश्वविद्यालय की स्थापना करो लेकिन उसमें शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों को मिले योग्यता के अनुसार। योग्यता ये नहीं देखा जा रहा था कि कौन कितना योग्य है, ये देखा जा रहा था कि कौन किस कुल से बिलोंग कर रहा है, कौन हमारी चीजें ज्यादा मान रहा है। ठीक, लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है कि यहां पर दो विश्वविद्यालय ही बनाए जा रहे हैं। ग्रामीण लोगों को यहां से बाहर कर दिया गया था कि यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं दी जाएगी, केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। और इन मूर्खों को ये नहीं पता था कि ये शिक्षा भी कहीं ना कहीं भारत के आगे बढ़ने के लिए, भविष्य के लिए अच्छी नीति रही, ये समझ नहीं पाए। गलती से भी आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीज़ें गलती से की, हमें लूटने के लिए की, लेकिन उनका उपयोग आज भी हम कर रहे हैं, जो हमारे GDP के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी सोशोलॉजी के लिए, हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी उन्होंने हम पे लूट की, नो डाउट, लेकिन उनके द्वारा कुछ चीज़ें भी हमें दी गई जो हमें मिली, बनी बनाई मिली हमें। कई पुल ऐसे हैं जो आज तक नहीं टूट सकते, कभी नहीं टूटेंगे। बहुत सारा विकास उन्होंने किया, रेलवे का विकास उन्होंने किया, तो उन्होंने हमें दी चीजें, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ब्रिटिश से लाए थे और वहां का पैसा लगाया, नहीं, हमसे ही लूट कर और हमें ही लूटने के लिए वो चीजें बनाए। लेकिन जब वो यहां से गए तो रेलवे थोड़ी ना ले जा सकते थे, वो यहाँ से पटरियाँ थोड़ी ना उखाड़ के ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनसे हमें फायदा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनसे हमें फायदा ही हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो फायदा हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने हमें लूटा था, वो एक लुटेरे थे, याद रखिएगा। योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा, उच्च माध्यमिक शिक्षा की श्रेणी को समाप्त कर दिया जाए। जी हाँ, मतलब शिक्षा जो दी जा रही है क्लास वर्ग के अनुसार दी जाए, लेकिन ये जो बीच में दी जा रही है ना माध्यमिक श्रेणी, उच्च माध्यमिक श्रेणी, इसको समाप्त कर दिया जाए, विद्या विषयक चीजें हों और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। इस तरह का प्रावधान लाया गया सार्जेंट योजना के तहत। ऐसा इसलिए किया गया कि 40 वर्ष में शिक्षा का पुनर्निर्माण करना है, ये क्या लगाया गया था सार्जेंट योजना के तहत, ये अनुमान लगाया गया कि अगले 40 वर्षों में शिक्षा का पुनर्निर्माण करना है। लेकिन आगे चलकर एक समिति आती है, खेर समिति, इसके बारे में पूछता है, इसने क्या कर दिया, इस 40 वर्ष को काट के पूरी तरह से 16 वर्ष इस शिक्षा की नीति को कर दिया कि 16 वर्ष के अंदर हम शिक्षा का पुनर्निर्माण भारतवर्ष में करेंगे। तो इस तरह से आज हमने द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा देखा, आगे का भी वीडियो हम लोग देखेंगे। देखिए आप में से बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि सर आप वीडियोस नहीं ला रहे हैं, उसका भी कुछ रीज़न होगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान ना हो, वीडियोस आते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए। बाकी इस तरह के कमेंट थोड़ा हर्ट करते हैं कि सर आप पढ़ा नहीं रहे हो, आपने हमें बीच में छोड़ दिया, आपने प्रॉमिस किया था, मैं प्रॉमिस से कभी हटा नहीं हूँ, ठीक है ना, बिना किसी मेहनत के। अगर मैं चाहता तो जो करंट के मुद्दे चल रहे हैं वो मैं लेकर आ जाता, आप लोगों को बताता, लेकिन मैं ये कमीशन लेकर चल रहा था ना, मैं ये पूरी सीरीज लेकर चल रहा था ना, मैं सोच रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर दूँ फिर मैं आगे बढ़ूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है हमारा, आप लोगों को शिक्षित करना उद्देश्य, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देना उद्देश्य है। और मैं ये बात से भी हट नहीं रहा हूँ कि यूट्यूब पैसे देता है, ठीक, वो देगा, इन वीडियोस के पैसे हमें देगा, हम मेहनत करेंगे, आप लोग देखेंगे तो हमें पैसे देगा, लेकिन आपसे मैं एक रुपये फीस नहीं लूँगा। मैंने शुरू से ही बोला था, आज भी बोल रहा हूँ और ये वादे पर मैं कायम रहूँगा। टेलीग्राम का ग्रुप है फ्री ऑफ कॉस्ट, ज्वाइन करिए, सभी वीडियोज़ की
प्लेलिस्ट वहाँ मिलेगी, सभी वीडियोस का पीडीएफ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ, एक अनाउंसमेंट भी है कि बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए मैं महामैराथन क्लास लेकर आने वाला हूँ जो एंशियंट हिस्ट्री की होगी, ठीक है ना। आधा कंटेंट मैं बना चुका हूँ और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही है, बहुत जल्द ही आप लोगों को वो चीज़ मिलने वाली है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें।